खतरनाक एप्पल बनने वाला है गाइस, ये एक जादुई एप्पल बनने वाला है, तो अभी आप देखते जाना गाइस। सो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे यार आप सभी लोग, स्वागत है एक और नई एपिसोड में सेव टेक एजेस के। हे गाइस, तो कैसे यार, कैसा जा रहा है भाई आप लोगों के दिन? आई होप कि सबके बढ़िया ही जा रहे होंगे भाई। आजकल स्कूल तो जाना पड़ता नहीं है ना, तो इसके लिए भाई चलो बढ़िया है यार। वैसे सब हैप्पी है तो मैं भी हैप्पी हूँ। तो गाइस यार, मैंने घर पे थोड़ा सा काम किया है भाई, जैसा कि भाई हमने यहाँ पे फरस बनाया है, आप देख सकते हो भाई फरस बनाया है। ऐसे मेरा मतलब है थोड़े से मैंने स्टोनों को पकाया और यहाँ पे लगा दिया भाई, और लगाने के बाद ये फरस जैसा लग रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके अलावा गाइज मैंने थोड़ा काम वाम किया, और भाई मैंने थोड़े घोड़े वोड़े टेम किए हैं। ये वो खास वाला घोड़ा नहीं है, बट ठीक ठाक है ये घोड़ा भी। मैं थोड़ा खाना खा लेता हूँ। और गाइज लास्ट टाइम जो हमने थोड़े से वीट थे मेरे पास, तो उससे एक हे बेल बनाई थी, तो वो मैंने यहाँ लगा दिया ताकि थोड़ा सा ऐसा लगे कि भाई ये मतलब इसका खाना है। ठीक है, मतलब अच्छा लग रहा है, डेकोरेटिव बहुत बढ़िया। और उसके अलावा गाइज मैं थोड़े से और घोड़े पकड़ के लेके आया था, और यहाँ पे भाई हमारे पास दो घोड़े हैं और एक गधेड़ा कहाँ गया, ये रहा। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? तो हमारे पास दो गधेड़े हैं और दो घोड़े हैं, और ये उसमें से सबसे बेस्ट घोड़ा है गाइस, और ये काला चेतक है भाई। मतलब इसका नाम मैं चेतक रखूँगा अगर मेरे पास इन फ्यूचर नेम टैग आएगा तो, क्योंकि ब्लैक कलर का, और भाई इसकी स्पीड सुपर फास्ट है, मस्त एकदम औसम भाई। तो भाई उसके अलावा गाइस मैंने थोड़ा सा और काम किया है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मैंने गाइज एक फर्नेस भी बना लिया है, ये रहा फर्नेस। और भाई इसके अंदर मैं बनने के लिए रख देता हूँ ऐश, क्योंकि हम लकड़ी को जलाएंगे तो भाई ये चारकोल नहीं बनेगा, ये ऐश बन जाएगी, देख रहे हो ऐश। और इस ऐश की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और उसके अलावा गाइज मेरे पास थोड़े वीट थे, तो मैंने थोड़े से वीट जो है यहाँ पर लगा दिए थे। और अब आप सोच रहे कि यार ये उगे कैसे, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं गाइस, अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, और भाई ये मेरे साथ तीसरी बार हुआ है कि मैं रिकॉर्डिंग करते करते रिकॉर्ड का बटन दबाना भूल गया, और भाई पूरी वीडियो बना दी मैंने इतनी लंबी एक घंटे की, और पता चला कि रिकॉर्डिंग का बटन तो मैंने दबाया ही नहीं था, और मैं बोलता जा रहा हूँ भाई। क्या यार हो जाती है गड़बड़। चलो कोई नहीं गाइस, चिल आउट एंड मूव ऑन। तो गाइस आप लोगों को पता है भाई, लास्ट टाइम हमने ये एक्वा डक्ट बनाया था, और मैं बहुत ही परेशान हो रहा था कि भाई इसको यूज़ कैसे करना है, क्योंकि इसको बनाना तो थोड़ा आसान ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो भाई इसको इस तरीके से बना सकते हैं, आपको क्ले के चार ब्लॉक डालने होंगे इसके अंदर प्रेशर आइटम में, जो कि घोड़ा आपको क्ले के ब्लॉक बना के देगा। और भाई हमारे पास ये सैंड्स की कमी तो थी नहीं, तो हमारे पास सैंड तो बहुत सारी है, तो सैंड से भाई सैंड स्टोन बन जाता है, और सैंड स्टोन रख के और भाई क्ले रख के बन जाते हैं एक्वाडक्ट। और भाई एक्वाडक्ट का क्या काम है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई मुझे सैंड कहां से मिलती है। और भाई मुझे यहां से सैंड मिलती है, जो मैंने ट्रैप लगाए हुए, देखो अभी भी इनमें ट्रैप जो है वो टूट गए, और इसमें बहुत सारा सैंड आ गया इन सभी में। और सैंड के अलावा हमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, और भाई इस मछली वाले में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, देख रहे हो मछली आ गई है काफ़ी सारी, इनको भी हम पका के खा सकते हैं। और यहाँ से मैं वाइन ले लेता हूँ, ओके पानी का डैमेज, मरना नहीं है भाई, चलो बच गया मैं, ठीक है। तो भाई इस तरीके से हमें सामान मिलता है, थोड़ी सी फार्मिंग करनी पड़ती है दिमाग से, बस आपको सामान मिल जाता है। और उसके अलावा गाइस मैं अपना आर्मर पहन लेता हूँ, जो कि ब्रोंज का है, और भाई हमने एक शील्ड भी बना ली थी। और गाइस हाँ, मैंने ये पुंजी स्टिक्स बनाए हैं, पुंजी स्टिक्स मैंने मतलब जो गन्ने होते हैं ना, गन्ने मतलब जिनको इंग्लिश में शुगर केन बोलते हैं, तो यहाँ से भाई मैंने शुगर केन तोड़े थे अभी थोड़ी देर पहले ही, तभी ये ऊपर से टूटे हुए हैं। और आप शुगर केन को कुछ इस तरीके से रखते हो ना, तो आपको मिल जाते हैं पुंजी स्टिक्स है गाइस ये, मतलब ये शुगर केन को आप एक साइड से पैना कर दोगे ना, तो उनको ही पुंजी स्टिक्स बोलते हैं आई थिंक। और ये पिगी कहाँ देख रहा है भाई, लालच आ रहा है क्या बैरी को देख के तुझे, सच में तुझे खानी है क्या ये बैरी? हेलो इधर देखो, खानी है क्या ये बैरी? चलो यार इसको बैरी खिला देते हैं, ये ले खाएगा बैरी, इधर देख खाएगा, हेलो इधर देखो खाएगा बैरी, खाएगा, ये ले आकर आकर खिलाता हूँ।
अबे ये तो मैं खुद ही खा गया यार। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। लोल सॉरी ब्रो, अगली बार खा लियो। और गाइस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जगह बनाई है भाई, जहाँ पे मैंने कोल्ड रोल लगा दिया है भाई, और इसके नीचे आग लगाएंगे हम, और इसमें बहुत सारी चीज़ें पका सकते हैं हम। एक चीज़ और गाइस, आपको पता है भाई ये जो हमारा ये था ना डंग पाइप, तो आप लोगों को पता है भाई ये डंग पाइप जो हमें यूज़ करना नहीं आ रहा था, जो कि हमारे एडवांसमेंट में था, तो भाई इसका यूज़ बहुत ही सिंपल है। इसको भाई हमें इस तरीके से, पहले मैं आपको ये पूरा सेटअप दिखा देता हूँ भाई ये क्या सेटअप है। जैसे कि भाई यहाँ पे एक चेस्ट है, ठीक है, इस चेस्ट में हमने होपर अटैच किया ऐसे करके, और भाई यहाँ पे हमने लगा दिया है डंग पाइप। और गाइस अब जब हम इसके अंदर ये ब्लॉक डालने के लिए रखेंगे ना, तो अब देखना गाइस जब ये पूरा ब्लॉक बन जाएगा तो क्या होगा। अभी ब्लॉक भरने वाला है और ठंडा होगा फिर उसके बाद, और ठंडा होने के बाद ये ब्लॉक इससे निकल जाएगा, देख रहे हो गाइस, और इससे निकल के जाएगा भाई इसके अंदर। तो ऑलरेडी 4 ब्लॉक बन चुके हैं भाई। तो इस तरीके से गाइस हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं डंग पाइप से। बट यार ये एडवांसमेंट हमारा कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, आई डोंट नो। ओके बॉटम ऑफ द बैरल, ओके हमें बैरल लगाना होगा क्या? बैरल रखा तो था, ये रहा बैरल। और गाइज मैंने यहाँ पे थोड़े से कॉपर चेस्ट बनाए हैं, और कॉपर चेस्ट बनाना बहुत ही आसान होता है। तो भाई आप एक चेस्ट बनाओ सिंपल वाले, उसके चारों तरफ कॉपर लगाओ, तो आपको कॉपर चेस्ट मिल जाती है। इसमें गाइज नॉर्मल चेस्ट के मुकाबले ही स्पेस होता है, इतना ही स्पेस होता है, बस एक लाइन कम होती है। तो क्यों ना भाई मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, और मैं लगा दूँ ये यहाँ पे ऐसे करके, तो क्या इसके अंदर जाएगा? नहीं यार इसमें नहीं जा रहा यार। और क्या मैं इसको यहाँ रखूँ, इसको लगा सकता हूँ क्या? अरे मेरी कुल्हाड़ी टूट गई यार, व्हाट डू हैक। मैं ऐसा करता हूँ यार, मैं ब्रॉन्ज की कुल्हाड़ी बना लेता हूँ। और यार मेरी कुल्हाड़ी इसलिए टूटी, इसमें ऐसा होता है इस पैक में कि आप लोग जिस एज में हो उस एज का सामान नहीं बनाओगे तो वो जल्दी जल्दी टूटेगा भाई, तो अपडेट रहना पड़ता है। तो यार मुझे ब्रॉन्ज के इनगट चाहिए होंगे, और हैमर चाहिए होगा भाई। इसको यहाँ रखो और इसके ऊपर ये हैमर मारो, तो आपको मिल जाएगी प्लेट्स। मुझे 3 प्लेट्स बनानी है। ओ फाइनली गाइस एक्स भी मिल गई भाई हमें ब्रॉन्ज की। तो यार हमें एक ब्रॉन्ज की पिकैक्स भी बना लेनी चाहिए। तो इसको रख देते हैं अंदर। चलो भाई ये तो यार काम नहीं कर रहा है गाइस, ये कुछ काम नहीं कर रहा है ये क्ले बैरल। आई डोंट नो गाइस ये बैरल वाला मुझे समझ नहीं आया ये, बट इसका तो यूज करना आ गया है मुझे भाई, इसका क्या यूज है। धीरे धीरे सीख जाएंगे ये सब चीजें भाई। चलो गाइस तो अभी भाई मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि ये जो एक्वा डक्ट है ये किस तरीके से हमने यूज़ करे। तो भाई ये एक्वा डक्ट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ऐसे करके और ऐसे करके। और भाई ये ओक जो स्लेट है ये भी मैंने बनाई थी थोड़ा सा सुविधा के लिए। और ये मैं क्यों लगा रहा हूँ अभी आप लोगों को पता चल जाएगा भाई, देखते जाओ। और ये लग गया, तो अभी देखो गाइस क्या होता है। और पहले सो जाता हूँ यार, मैं अंधेरा बहुत हो गया। सो गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। चलो भाई सो गाइज यहाँ पे मैंने ये एक नाली जैसा बनाया। अब नाली यार बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि नाली क्या होती है, तो यार जो सीवर लाइन होती है ना उसको नाली बोलते हैं। तो भाई ये एक तरह की पाइप लाइन समझ लो, पुराने ज़माने में इसी तरह की पाइप लाइन होती थी। तो भाई यहाँ पे भी मैंने जो है वो एक्वा डक्ट लगाया है, और ये ब्लॉक मैं जब तोड़ता हूँ, अरे तेरी ऐसे कित भाई ये क्या हुआ भाई, 3 ज़ॉम्बी आ गए एक साथ। एक मिनट रुक जा। और देखो गाइस पानी जा रहा है भाई, ये देखो ये सारे मैंने एक्वा डक्ट लगाए हुए हैं और यहाँ पे पानी जा रहा है उनके ऊपर से। तो भाई इससे हम पानी का बहाव जो है ना वो बढ़ा सकते हैं एक्वा डक्ट से। तो इसी तरह के भाई तरीके से मैंने भाई ये एक्वा डक्ट से बहाव को बढ़ाया था। और गाइस यहाँ पे मैंने भाई ये जो हुई थी ना मेरे पास, अभी दिखाता हूँ मेरे पास हुई थी तेरी ऐसे के तैसे, भी बताता हूँ तुम लोग को। नहीं भिड़ ले, मर जा। चलो मर गए। तो गाइस इस तरीके से भाई वो एक्वा डक्ट जो है काम करता है, बहुत ही काम की चीज़ है। और भाई ये पूरी नाली सी मैंने बना दी है, और इसके थ्रू जो है पानी जा रहा है, और वो पानी जा रहा है हमारे खेतों तक। तो गाइस अगर ये एक ब्लॉक हाई होगी, मतलब पानी आपके जगह पे एक ब्लॉक हाई होगा, तो आप उसको नीचे ला सकते हो।
बट एक्वा डक की मदद से आप पानी को ऊपर नहीं ले जा सकते, नीचे ही ले जा सकते हो बस। तो भाई ये कुछ इस तरीके से काम करता है। और ये जो देख रहे हो ना आप, ये चौकोर सा बना हुआ है, ये किस तरीके से बना मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे ही हुई से काम किया था, साइडों में नहीं किया। तो अगर आपके पास गैस हुई है तो आप हुई को भाई इस तरीके से मारिए और आपको एक चीज़ मिलेगी, दिखाता हूँ क्या चीज़ मिलेगी। वो रैंडमली ही मिलती है गाइस, आई होप कि मिल जाए मुझे। ओके गाइस, तो ये रही भाई वॉर्म, तो ये चीज़ मिलती है भाई आपको रैंडमली और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है वॉर्म। वैसे मेरे को टोमेटो सीड मिल गए और चिली पेपर सीड मिल गए हैं। हो भाई मिर्ची का सीड मिल गया और टमाटर का सीड मिल गया, तो अभी भाई हम टमाटर और मिर्ची भी उगा सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो भाई ये देखो, ये जो वॉर्म होते हैं वो कुछ इस तरीके से काम करते हैं, जब आप इसको ऐसे लगाते हो ना तो भाई ये हुई का काम करेंगे आपको, देखो देख रहे हो। तो भाई ये कभी भी आपकी घासों को ख़राब नहीं होने देंगे। और क्या मैं टमाटर और मिर्च उगा सकता हूँ क्या? यार उग ही नहीं रहे यार टमाटर मिर्च, क्या इसके लिए मुझे कोई स्पेशल गमला लगाना पड़ेगा क्या? एक मिनट चेक करता हूँ। नहीं यार इसका कोई रेसिपी भी नहीं दिखाया हुआ, ये उगेंगे कैसे फिर? आई डोंट नो गाइस, ये टमाटर और मिर्च कैसे उगेंगे। चलो कोई नहीं, उगेंगे जब उगेंगे देखेंगे भाई इनको। और भाई इस तरीके से हम वॉर्म्स को लगा सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया काम करते हैं भाई। आपके इसमें वॉर्म्स हमेशा होने चाहिए वैसे मेरे हिसाब से खेत में, क्योंकि जो जो ये केंचवे जो होते हैं ना वो गाइस आपकी खेती को कभी ख़राब नहीं होने देते। तो आपके खेत में भाई कुछ भी हो, अर्थवॉर्म जो है हमेशा होने चाहिए। मतलब जो केंचवे है ना वो मिट्टी को उपजाऊ करते हैं रियल लाइफ में भी, ठीक है? गेम में तो कर ही रहे हैं, रियल लाइफ में भी जो है केंचवे जो है मिट्टी को उपजाऊ करते हैं, ठीक है गाइस? ये फैक्ट है एक। ओके गाइस, तो भाई ऑफलाइन मैंने जो काफ़ी सारी चीज़ें की थी वो मैं ऑलमोस्ट सभी चीज़ें बता चुका हूँ। और भाई यार मुझे एक मेरा सब्सक्राइबर कह रहा था कि भाई आप ये सांड पाल रहे हो जो बफेलो है, इनका क्या करोगे भाई? तो देखो भाई इनका क्या होता है, मुझे बस एक रस्सी चाहिए होगी जो कि मेरे पास पड़ी है, ये रही। तो चार रस्सियाँ हैं मेरे पास, तो यहाँ से मैं एक सांड को जो है निकाल लूँगा बाहर, यानी कि बफेलो को। ओके अभी आ जा बाहर भाई, एक ही चाहिए मुझे बाहर। और अब इसका काम देखना गाइस। तो भाई जो काम हम घोड़ों से ले रहे थे ना वो काम हम इनसे भी ले सकते हैं, ठीक है? तो इस काम आता है भाई ये। चलो बढ़िया है भाई। तो भाई खेती का जुगाड़ गाइस हमारा हो चुका है, अभी हमें एक चीज़ करने के लिए जाना है बाहर, यानी कि अभी हमें बनाना है भाई ब्लड अल्टर। तो भाई एक चीज़ और बनाई थी मैंने, रोमीडेंट्री स्नेर। तो गाइस ये चीज़ बनाई थी हमने रोमीडेंट्री स्नेर, जिसके लिए भाई टिन इनगट लगता है, स्ट्रिंग लगते हैं और ऐश लगती है। और ऐश मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरीके से बनती है, वुड लॉग को डालो इसके अंदर तो आपको ऐश मिल जाएगी, ठीक है? और ऐश से मिल जाता है रोमीडेंट्री स्नेर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये मैंने भाई 12 बना लिए थे, और इसका क्या काम है मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि गाइस ये सिर्फ मॉब्स पे यूज़ होता है, ठीक है? मैं और किसी चीज़ पे यूज़ नहीं कर सकता इसको, सिर्फ और सिर्फ मॉब्स पे यूज़ कर सकता हूँ। और ये मॉब्स पे किस तरीके से यूज़ होगा वो मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है? और हमने ये जो बनाए थे ना पंजी स्टिक्स, ये भी कहाँ यूज़ होंगे अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। अब आ गए हम दूसरे डायमेंशन में। तो गाइस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काम किया था भाई, भाई मैंने यहाँ पे एंडरमैन का टोटम लगाया है इसकी मदद से, और भाई स्पाइडर का टोटम लगाया है, ठीक है? तो स्पाइडर के टोटम से क्या मदद मिलेगी, मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ, ठीक है? और एंडरमैन से जो है मुझे मिल रहा है नाइट विज़न। और भाई अब देखो ये बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ गए हैं आपको मारने के लिए, और भाई मैंने इसीलिए जो है यहाँ पे अपने इस पोर्टल को कवर कर दिया था ताकि भाई ये मुझे मार ना सके। और अभी मैं ये जो पंजी स्टिक्स है ना इनका यूज़ दिखाने वाला हूँ, कहाँ होने वाला है भाई इनका यूज़ होने वाला है, यहाँ पे ऐसे करके। अबे तेरी, ये तो मेरे पे यूज़ हो रहा था इनका, आ जाओ बेटा। नहीं नहीं आ जाओ, अभी देखना है मरेंगे। ओ भाई क्या बचाऊँ मैं, शिट। अभी की देखो गाइस ये लोग मर रहे हैं, देख रहे हो आप? ये है पंजी स्टिक्स का कमाल, ये लोग मर रहे हैं, देख रहे हो? उनके ऊपर चढ़ने की वजह से मर रहे हैं ये, क्योंकि वो कांटे उनके पैर में चुभ रहे हैं। मरो मरो, अच्छा खासा हेल्थ जा रहा है इनका, देख रहे हो आप? तो अभी ये मुझे काम आएंगे भाई, बहुत अच्छा डैमेज देते हैं गाइस ये। चलो अभी मुझे भाई किसी मॉब्स को ढूंढना है और इसका यूज़ करना है स्नेयर का। तो चलो ढूंढते हैं मॉब्स को, आसपास काफ़ी सारे मॉब्स मिल जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बैटल डायमेंशन है। ओ ये रहे,
तो भाई यहाँ पे अंधेरा हो गया, तो भाई मैं आप अपनी टोटम के पास लेके जाऊंगा इनको, ताकि थोड़ा सा जो है यहाँ पे उजाला रहे, क्योंकि यहाँ पे हमारा टोटम है। तो भाई बस आपको ये करना है कि आपको इसको फेंक के मारना है एक, और फिर इसको मारना है अपने हाथों से ऐसे। तो यही काम है इसका, और वो क्या करेगा अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। और मुझे नाइट विजन क्यों नहीं मिल रहा यार, मैं टोटम के कितना तो पास हूँ। ओके मर गया, बट मुझे कुछ नहीं मिला भाई। तो यानी कि ये हमारा एक वेस्ट हो गया स्नेर। गाइस क्या ढूंढ रहा हूँ ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। भाई मैं ढूंढ रहा हूँ डेमोनिक व्हील, ठीक है। डेमोनिक व्हील कैसे मिलेगा आपको, और ये भाई ये स्नेर से ही मिलेगा आपको डेमोनिक व्हील। और हमें सिर्फ मॉब्स पे मारना होगा ये, और बहुत कम चांस होते हैं गिराने के मॉब्स के। ये वो आपस में लड़ रहे हैं क्या वो? ओ भाई ये हेड शॉट देते हैं यार, एम लो का इनका लग रहा है। शायद से बात बन जाए, दोनों को ही मार दिया मैंने। अब इनको मारते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है क्या नहीं। और मैं यहाँ पे अंदर जाऊँगा और देखते हैं मरने के बाद इनसे मुझे मिलेगा क्या नहीं मिलेगा डेमोनिक विल। एक तो मर गया। ओ गाइस फाइनली एक ने गिराया डेमोनिक विल। और इस ये है इसकी क्वालिटी जो है ना 1.9 है, तो इनकी क्वालिटीज़ भी होती हैं। तो मैं देखता हूँ मुझे और कितने मिल सकते हैं। सो गाइस यार मैंने अपने सारे के सारे भाई यूज़ कर लिए हैं, और मुझे मिले हैं तीन मिले हैं मुझे। तो भाई एक है 1.57। अबे ये क्या है, अबे यार ये पट से हेडशॉट वाला फिर से आ गया। चलो अभी हमारा काम यहाँ पे हो गया, तो हम चलते हैं अपने वर्ल्ड में। और भाई जैसे ही हम अपने वर्ल्ड में आते हैं, ये ग्लो करने वाला भाई हो जाता है ग्लिच। कोई नहीं, वो तो गेम रीस्टार्ट करने पे ये ठीक हो जाता है। कैसे 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 मारा, सो गाइस भाई मैं बोल रहा था कि मुझे तीन मिले हैं ये डेमोनिक विल, और एक है 1.98, एक है 0.18, और एक है 1.57। तो ये तीन मिले हैं मुझे, जिससे हम बनाने वाले हैं अल्टर। ओके गाइस, तो भाई सभी चीज़ें मेरे पास हो गई है, तो बना लेते हैं ब्लड अल्टर। तो ये बना लिया भाई मैंने ब्लड अल्टर। ओके गाइस, तो इसको लगा लेते हैं भाई हम। कहाँ लगाए इस ब्लड अल्टर को, इधर लगा देते हैं, इधर से चीज़ें लगाना शुरू करेंगे अब। ठीक है भाई, अब ये काम कैसे करता है गाइस ब्लड अल्टर? तो इस बुक में भाई सब कुछ लिखा हुआ है, बट गाइस हम बुके वुके ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले भाई, ठीक है। तो गाइस अब ये बुक तो भाई मैं घर के अंदर रखे आऊँगा। तो यार घर के अंदर यार हमें बहुत घूम के आना पड़ रहा है, तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक डोर बना लूँगा। तो भाई यहाँ से अब हमारा घर का आने जाने का रास्ता बन गया एक एक्स्ट्रा। मैं डोर भी बना सकता हूँ वैसे मेरे पास। ओके गाइस, तो भाई हमने ये ब्लड अल्टर बना लिया है। अब इसके साथ गाइस एक चीज़ बनती है, जो कि है भाई ये वाला नाइफ, सैक्रिफिशियल डेगर। तो भाई ये हमें बनाना होगा, और इसके लिए दो ब्रोंज इनगट और एक शार्प बोन चाहिए। और इस बोन को हम किसी भी पथरीली चीज़ पर मारेंगे ना, तो ये टूट जाएगी, ठीक है। टूट के ये मतलब पैनी हो जाएगी आगे से। और हमें चाहिए होंगे दो ब्रोंज, तो एक दो ब्रोंज चाहिए। ओके, तो अभी हमारा काम जो है हो जाएगा। तो इसको ऐसे रखना है और ऐसे रखना है, तो हमें मिल जाएगा ये डैगर। अब भाई इस डैगर का काम क्या है, लेकिन उससे पहले गाइस मैं ये बुक जो है रख देता हूँ, क्योंकि भाई बुके वुके हम बहुत कम पढ़ते हैं। इतना टाइम यार हमारे पास है भी नहीं कि मैं आप लोगों को बुक पढ़ के सुनाऊँ कि क्या क्या कैसे कैसे होगा। थोड़ा बहुत चीज़ें करनी आती है यार हमें भी। अब भाई कुछ लोगों को ये चीज़ थोड़ी सी खतरनाक लग सकती है, बट करना पड़ेगा भाई, ठीक है। क्योंकि भाई पुराने ज़माने में जो है आत्माओं को बुलाने के लिए या उल्टी सीधी चीज़ें करने के लिए ऐसे ही करते थे भाई। तो ये पता नहीं भाई इस चीज़ में कितनी सच्चाई है, कितना अंधविश्वास, आई डोंट नो, बट हम भी करते हैं यार। चलो भाई, तो ये देखो गाइस, इसके अंदर जैसे जैसे मैं चाकू मारूंगा, ऐसे ऐसे इसके अंदर ब्लड भरता जाएगा, और मेरी हेल्थ जो है कम होती जाएगी, और फिर मुझे फूड खाना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ता है भाई गेम में। सो गाइस यार हमें बहुत ही धीरे जो है गाइस ये हेल्थ रीजनरेशन मिल रहा है, जिसकी वजह से यार हम बहुत धीरे धीरे खून निकाल पा रहे हैं, देख रहे हो। और ये पूरा भरने में तो ऐसे यार काफ़ी टाइम लग जाएगा हमें इसको पूरा भरते भरते, देख रहे हो रात हो गई है भाई। तो यार इसका एक तरीका और है हमारे को हेल्थ रीजनरेट करने का, जिसके लिए भाई हमें चाहिए होंगे, क्या चाहिए हमें,
हमें चाहिए रोटन फ्लैश, तो हमारे पास रोटन फ्लैश तो पड़े हुए हैं भाई। तो अभी हमारे पास ये वाली मेल्ट्री जो है गाइस खाली पड़ी है, तो इसके अंदर भाई हम रोटन फ्लैश डाल देते हैं। और जब मैं इसमें रोटन फ्लैश डालूंगा तो रोटन फ्लैश जब गाइस पिघलते हैं ना इस मेल्ट्री में, तो गाइस वो खून बन जाते हैं भाई साहब। देख रहे हो क्या खतरनाक है, ये देखो ब्लड बना। अब जब ये धीरे धीरे ब्लड बनेगा तो हमें एक ब्लॉक मिलेगा ब्लड का पूरा आप देख रहे हो ब्लड बन रहा है इसमें धीरे धीरे। सो गाइस यार ये ऑलमोस्ट काफ़ी सारा भर गया है ब्लड से, तो अब हम इसका ब्लॉक बना लेते हैं ब्लड का। और गाइस देख रहे हो भाई ये है पूरा ब्लड का ब्लॉक भाई। और गाइस अगर मैं इस ब्लॉक को इधर रखता हूँ तो हमें इससे मिल जाएंगे कोगुलेटेड ब्लड। और गाइस ये कोगुलेटेड ब्लड अभी गीले हैं, अगर मैं इसको सुखा लूँगा एक मिनट, ये देखो मेरे पास यहाँ पे ड्राइंग रैक है, तो अगर मैं इसको सुखा लेता हूँ इसके ऊपर। सो गाइस जैसे कि भाई आप देख रहे हैं कि ये सूखने शुरू हो गए हैं, और ये देखो गाइस अब ये सूख गए हैं। तो भाई अब इसका क्या काम है, वैसे ये दिखने में गुब्बारे जैसा है, और ये काम क्या करता है मैं अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा आप लोगों को। अभी हमारा ये जो ब्लड अल्टर है ये भी ऑलमोस्ट फुल हो गया भाई। ओके ये भी गाइस ऑलमोस्ट फुल हो गया है। और अभी गाइस हमें एक एप्पल चाहिए, और ये एक एप्पल हम जब इसके अंदर डालेंगे ना तो गाइस ये एक खतरनाक एप्पल बनने वाला है गाइस, ये एक जादुई एप्पल बनने वाला है। तो अभी आप देखते जाना गाइस। आपने वो एक कार्टून सीरीज देखी है ना गाइस, जिसमें ये जो एप्पल है वो हरे कलर का जहरीला एप्पल बन जाता है, तो कमेंट में ज़रूर बताना भाई उस कार्टून सीरीज़ का क्या नाम, जिसको एक लड़की खाती है जिसमें 7 बोने होते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका। उसमें एक उसकी माँ होती है, पता नहीं कौन होती है, वो उसको खिला देती है एक जहरीला एप्पल। तो ये कुछ ऐसा ही एप्पल है भाई, तो ये हमने इन्वेंट किया है जहरीला एप्पल। तो गाइस एडवांसमेंट हमारा कंप्लीट हुआ, इसका क्या काम है मैं अभी आपको बताऊंगा गाइस। और भाई ये अल्टर थोड़ा खाली हो गया तो इसको भर देते हैं वापस। तो गाइस जैसा कि देख रहे हैं भाई हमारा हेल्थ जो है बिल्कुल लो हो गया है, और हमने अभी थोड़ी देर पहले ये बनाए थे हमने ब्लड ड्रॉप। और गाइस इसको जब हम खाएंगे ना, ये देखो गाइस हमें मिलता है ट्रिपल हेल्थ बूस्ट। ट्रिपल हेल्थ बूस्ट मतलब इंस्टेंट हेल्थ बूस्ट होगा हमारा भाई, चाहे हम खाना खाए या ना खाए। देख रहे हो गाइस, और अभी एक चीज़ और देखते जाना आप। तो भाई मुझे 2 हर्ट एक्स्ट्रा मिले हुए हैं हेल्थ बूस्ट से गाइस, देख रहे हो मेरे 6 गोल्डन हर्ट है टोटल 6। ओ भाई साहब मतलब यार ये काफ़ी पावरफुल है भाई। तो गाइस इस जहरीले एप्पल का यूज़ जो है हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे कि भाई क्या यूज़ होने वाला है इसका। तो तब तक के लिए गाइस बाय बाय, और आई होप कि यार आप सभी लोगों को ये जो है हमारी अजीब अजीब चीज़ें जो है पुराने ज़माने में हुआ करती थी अंधविश्वास वाली, इस पे ज़्यादा विश्वास मत करना, अपनी पढ़ाई में ध्यान दो ठीक है। और गाइज आज का एपिसोड आप सभी लोगों को कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर से बताएं यार, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो। और यार वो जहरीला एप्पल कौन से कार्टून सीरीज़ में था मुझे ये भी बताना कमेंट बॉक्स में, और अच्छे अच्छे कमेंट करना यार, बेकार के कमेंट मत किया करो, ऐसे कमेंट किया करो जो कि मैं आपके लोगों के पढ़ पाऊँ कमेंट। और यार बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सपोर्ट करते हो लाइक करते हो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय गाइस टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड चाओ चाओ।